YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। सांगठनिक मजबूती सहित विभिन्न मांगों को लेकर भावी आंदोलनात्मक रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से रविवार को मनरेगा कर्मचारी संघ पलामू जिला इकाई की बैठक जिला स्कूल के प्रसाल में बुलाई गई। आज की बैठक में जिला संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय, जिला सचिव नारद कुमार यादव के अलावे रामाकांत तिवारी, ज्योति किसफोटा सहित सभी प्रखंड अध्यक्ष व काफी संख्या में मनरेगा कर्मी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे विकास पांडे ने बताया कि मनरेगा कर्मियों की मांगों के प्रति सरकार काफी उदासीन है। राज्य भर की मनरेगा कर्मी इस बार आर या पार के लिए आंदोलन पर उतारू है। कहा, मनरेगा कर्मी सरकारी कर्मचारियों से अधिक कार्य करते हैं, फिर भी जीवन यापन के लिए इन्हें समुचित मानदेय नहीं दिया जाता। कहा, अब तक सरकार से सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है। आज की बैठक में संघ के बैनर तले एकजुट होकर जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार को मांगे माने जाने पर विवश किया जाएगा। बैठक का संचालन अख्तर हुसैन ने किया। यहाँ पर हम लोग जिला स्कूल प्रांगण में मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में उपस्थित हुए हैं। आगामी मानसून सत्र में हम लोग विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारा जो मानदेय है वो हमारे कार्य के हिसाब से बहुत कम है। पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, हमारे मांगों के प्रति काफ़ी उदासीन है। इस बार हम लोग बड़ा आंदोलन करने के मूड में हैं और इस बार आर या पार का लड़ाई हम लोग करेंगे। हम लोग 20 तारीख को रांची के विधानसभा का घेराव करने के लिए यहां पर प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारा प्रोग्राम लगभग तय है। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत जो भी हमारा संघ निर्णय लेगा, राज्य संघ, उसके तहत हम लोग आंदोलन करेंगे।